हेलो फ्रेंड्स, फेस्टिवल आ रहा है तो ऐसे में घर को तो साफ़ सफाई रखनी है, अच्छा रखना है, बालों को भी बहुत अच्छा रखना है। तो बालों के लिए मैंने पहले से भी बहुत सारी रेमेडी बता रखी है जिससे आपके बाल गिरने कम हो जाएंगे, लेकिन आज ऐसी रेमेडी लाई हूँ जिससे आपके बेजान बाल गिरने कम हो जाएंगे और बाल सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी होंगे और बालों में नई जान आएगी। बालों का जो रूखापन है वो ख़त्म हो जाएगा। बाल सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी होने के साथ साथ बाल अगर जड़ से निकल रहा है तो वो भी गिरने कम हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बाल बेजान हो गए, बालों में जो एक्चुअल प्रोटीन होता है वो खत्म हो गया, नेचुरल तरीके से कुछ नहीं रह गया, सब मार्केट बेस्ड चीज़ें यूज़ होती हैं बालों में, तो बाल खराब हो गए। तो आज बालों को हम अच्छा प्रोटीन देंगे, तो इसके लिए हमने केला लिया हुआ है। घर में जो पके हुए केले होते हैं आप उसको लीजिए और इसी से हम आज एक प्रोटीन हेयर मास्क बनाएंगे। बनाना के अंदर प्रोटीन, पोटेशियम और आयरन भरपूर मात्रा में होती है जिसका यूज़ आप अपने बालों के लिए बहुत बखूबी कर सकते हैं। तो बस क्या करना है कि केले को छील के उसका छिलका अलग कर दीजिए और केले का पीस चाहिए। घर में अगर ज़्यादा पके केले हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, फेंक के बजाय उसका बालों में हेयर मास्क बना के लगा लीजिए, बहुत काम करने वाला। तो बस इसके छोटे छोटे पीसेस में काट करके इसको मैश कर लेना है। आज की रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपके जो बेजान बाल वो खत्म हो जाएंगे, बालों में एक नई चमक आएगी। और हाँ, इसका अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके बाल सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे और रूखापन बिल्कुल बालों का खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, बस केले को मैश कर लेना है और इसको मैश करने के बाद आप मैशर का यूज़ कर सकते हैं, मैं चम्मच से इसको कर रही हूँ। तो आप इसको मैश करके इसी के साथ हम लोग इन्ग्रीडियंट और लेंगे जो आपके घर पे ना अवेलेबल हो तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा वो। तो बस बनाना को मैश कर लेते हैं। क्या होता है ना कि बालों में जब प्रोटीन नहीं होता है तो बाल रूखे हो जाते हैं और रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, तो बाल दो मुहे हो जाते हैं और जब बाल दो मुहे हो जाते हैं तो बालों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो बस इसमें हम दही लेंगे, ये खट्टी वाली दही है, आपके घर में जो भी दही अवेलेबल आप ले सकते हैं। सेकेंड इसमें थर्ड इन्ग्रीडियंट्स में हम एलोवेरा जेल का लेंगे। एलोवेरा जेल अगर आपके पास प्लांट बेस्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर मार्केट वाला है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा हम इसमें एलोवेरा जेल भी डालेंगे और बस तीनों को क्या करना है, मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। तो बस इन सबको पीस लीजिए फाइन और इसका एक गाढ़ा घोल बन जाएगा। तो इसका पेस्ट आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना पेस्ट बनाए आप इसको नहीं लगा सकते हैं बालों में। तो बस ये पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया, मैंने पीस लिया है और इसका बहुत फाइन पेस्ट बना है, देखिए बस इतना ही चाहिए था, इतना ही गाढ़ा। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद क्या है, इसको आपके अपने बालों में लगा के आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। इसको वीक में कम से कम 2 से 3 बार आप ट्राई करिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और हाँ, आप इसको ट्राई करिए, अगर आपको रिजल्ट मिले उसके बाद आप आके कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरी बातों में बिलीव मत करिए, आप जाके खुद सर्च करिए कि ये कितना ज़्यादा कारगर है बालों के लिए और कितना ज़्यादा काम करता है केला आपके बालों के लिए। अगर आप मार्केट में जाके, शॉप पे जाके बड़ा बड़ा केराटिन ट्रीटमेंट कराते हो तो आपके बहुत सारे पैसे लगते हैं और आपकी जेब भी खाली होती है। सारे लोगों के पास पैसे इतने नहीं होते कि वो जाके शॉप पे अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवा पाए, सैलून जा पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप घर पे चीज़ें कर सकते हो और होम रेमेडी क्या बालों को नुकसान बिल्कुल नहीं करती है, तो इसको आप अपने बालों में आजमाइए, लगाइए और उसके बाद कमेंट करके शेयर करिए अपना रिव्यू कि कैसा लगाइए। इसको लगा के बस आपको नॉर्मल शैम्पू से, जो आपके पास भी जो भी शैम्पू हो उसे हेयर वॉश कर लेना, फिर आपके बाल भी सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। और हाँ फेस्ट, तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।